सदर विधायक मनीष जायसवाल ने जीएम कार्यालय का एक दिवसीय घेराव किया। साथ में बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव के साथ हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि आगामी 25 जून तक अगर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो जीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और उस दिन जीएम ऑफिस के सारे मेन स्विच ऑफ कर देंगे और बिजली विभाग के जीएम को लालटेन और मोमबत्ती गिफ्ट करेंगे, जिससे कि उन्हें यह एहसास हो सके कि क्षेत्र के लोग गर्मी में कैसे जी रहे हैं। वहीं बरही विधायक मनोज यादव ने भी यही आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र की जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है, परंतु बिजली विभाग तथा सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं। इस दौरान सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि बीजेपी विधायक द्वारा लगाए गए आरोप कुछ हद तक सही है तथा गलतियां दोनों तरफ से हैं, जिसे सुधारने की कोशिश हो रही है। दिया होगा उस खजाने को और जो बिजली विभाग में जो सामान था वो उसको लूट लिया गया होगा, क्योंकि अगर ये लोग काम करते तो कहीं ना कहीं पर काम इनका दिखता। आज ट्रांसफार्मर इनके लिए दुधारू गाय के बराबर है, जैसे गाय रोज अपने मालिक को दूध देकर के पिलाती है, उसी तरीके से ये ट्रांसफार्मर जो है इनके लिए कहीं ना कहीं से पैसा जनित करने का काम जो है करता है। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर आंदोलन चल रहा है। मैं अब तमाम बिजली विभाग के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सुनिएगा जरूर, कि पहले हम लोग आग्रह से बात करते हैं, संस्कार वाले लोग हैं, संस्कार वाली पार्टी है। आज हम आपको जगाने आए हैं कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, जिसके लिए आप पैसा लेते हैं, बिल लेते हैं, उसका सुधार करिए। और अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो अभी बड़े भाई मनोज यादव जी ने कहा कि आज तो हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आपको धरने में भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा और विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री मंजुलता दुबे उपस्थित रही। मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आज की सरकार खनिज बालू के साथ धोती साड़ी के नाम से भी जनता का पैसा लूट रही है, पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पिछले 9 वर्ष सेवा, सुशासन और जन कल्याण से भरे हुए दिखाई देते हैं। इसे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का काम करें। उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विकास की 2 अहम उपलब्धियां गिनाते कहा कि ये भूत और भविष्य के लिए मील का पत्थर है। यूरोप और चीन को पीछे छोड़ते हमने कोडरमा से रांची तक मात्र 300 करोड़ रुपए निवेश कर 200 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने का काम किया है। इनकी सदस्यता जिला अभियान इस अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से अलग अलग मोर्चाओं को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए थे। महिला मोर्चा को भी प्रमुख रूप से 4 कार्यक्रम दिए गए थे। स्वयं सहायता समूह किसानों के साथ संपर्क और संवाद उनके बीच जाकर 9 साल मोदी सरकार का बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महिलाओं के लिए धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 12 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया, 5 लाख बीमा योजना, मुख्य रूप से हमारी ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया। लखपति दीदी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो 3.5 लाख की होती है और उसकी मालकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें आवास देकर मालकिन बनाने का कार्य किया। कभी आप सोच सकते थे कि PTPS जो इतनी जर्जर हालत में, उस PTPS का नव निर्माण होगा, कभी आप सोच सकते थे? कौन सोचा था कि उसको हम लोग जॉइंट वेंचर में NTPC के साथ डालकर वहाँ ना सिर्फ 1000 मेगावाट का, 2000 मेगावाट का, 4000 मेगावाट का देश का सबसे सबसे महान वहाँ थर्मल पावर प्लांट बनेगा, 20,000 करोड़ नहीं 4000 मेगावाट के लिए 40,000 करोड़ के निवेश में ये थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। इसका देश में कहीं मुकाबला नहीं है। झारखंड तो छोड़िए, 40,000 करोड़ का निवेश एक कारखाने में हो, ये कल्पना के परे है साथियों, ये भी एक चमत्कार है।